अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दाना शाना डाल के वेला हो गया हूँ, सोचा वीडियो बना लूँ एक और। वीडियो बनाने से पहले भाई, असल में एक चीज़ है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर कोई मेरी हेल्प आउट कर सके इस मामले में तो ज़रूर बताइएगा। ऐसा है कि भाई देखो, मुझे अपने लिए पर्सनली मुझे चाहिए एक डॉग। वो होना चाहिए या तो अल्सेशन या होना चाहिए जर्मन शेपर्ड, इन दोनों में से ही हो। अदरवाइज़ दूसरा कोई मतलब बुली टाइप तो बहुत सारे दोस्तों के पास हैं, उन्होंने मुझे कई दफ़ा ऑफ़र भी किया, लेकिन ऐसा मुझे पसंद नहीं है। बुली गुलटेरियर लड़ाई शड़ाई वाले ये नहीं। अल्सेशन या जर्मन शेपर्ड अगर किसी के भाई के पास हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताए कि मेरे पास है, मैं दिखाना चाहता हूँ, या वट एवर जो भी है सिस्टम वो आप देखें, मुझे लाजमी दिखाएं। अर्जेंट बेसिस के ऊपर मुझे चाहिए, अपने लिए चाहिए। वो चाहे पेएबल हो या फिर अगर उसको कोई बर्ड वगैरह पसंद आता है या कुछ होता है, एक्सचेंज पॉसिबल भी हो सकता है। तो लाजमी तौर पर भाई, अगर जिनके पास भी डॉग है वो लाजमी मुझसे शेयर करें ताकि ये चीज़ मेरे लिए आसानी हो जाए। मैं बाहर जो कहीं से ढूँढ रहा हूँ, फैमिली डॉग मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, जवान फुल एडल्ट मेल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेल, लेकिन चाहे वो 1 से 3 महीने के दरमियान हो, 1 माह का हो, 2 माह का हो, 3 माह का हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो तो ज़रूर बताइए। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। वीडियो का टॉपिक बड़ा ही सादा सा है, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रोज़मर्रा रूटीन में देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना। बेसिकली गर्मियों में आने वाली बीमारियां, मुझे एक भाई ने बोला था कि गर्मियों में आने वाली बीमारियों के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दें, कुछ बता दें, और क्या चीज़ इसको हल कर सकती है ये बताएं। भाई देखो, अब गर्मी आ रही है, गर्मी के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है, एकदम गर्मी, बारिश हो गई, एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। अब हमें गर्मी लग रही होती है, जैसा टेम्परेचर चेक करें ना तो एक रियल फील आ रहा होता है और एक टेम्परेचर आ रहा होता है। जब गर्मी हमें लगती है ना और उसके बाद बरसात होती है या बारिश होती है, मौसम तब्दील होता है, तो वो एक लिमिट तक बर्दाश्त होता है, उसके बाद नहीं होता बर्दाश्त। जिस तरह के गर्मी बहुत ज़्यादा, बारिश में नहाएं, अक्सर बच्चों को देखें, आप बच्चों को देखेंगे या बड़ों को देखेंगे, बारिश अगर कोई 2-4 घंटे हो गई है तो एक इंसान की कितनी कैपेसिटी होगी बारिश में नहाने की? ज़्यादा से ज़्यादा वो गर्मी की वजह से कोई 1-2 घंटे नहा लेगा, उसके बाद उसका जिस्म ठंडा हो जाएगा, उसकी जो गर्मी की तलब होगी वो ख़त्म हो जाएगी और कूल फील करेगा, उसके बाद उसको ठंड लगेगी, फिर वो जाएगा वॉश करेगा नेचुरल पानी से, उसके बाद मतलब नॉर्मल प्रोसीजर, मतलब एक लिमिट होती है। इसी तरह ये देखें, ये छत पे सेटअप है सारा, नीचे मिट्टी डली हुई है, मैंने दिखाया भी था अक्सर, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, अंदर खुड्डों में मिट्टी है, ये एक ही पिंजरा सारा, अंदर मिट्टी डली हुई है और ये सारे गर्मी की वजह से मुंह तो खोलते हैं। अब मिट्टी इनकी गीली कर दी जाए तो ये कुछ देर तक सुकून में आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, बारिश हो गई, मौसम बदला, ठंड बनाएंगे, बुखार चढ़ जाएगा, सुस्त हो जाएंगे, वाइट ग्रीन बीठे करेंगे। नेचुरली लोग इन लोगों को समझते हैं कि वो रानी खेत आ गई, जानवर को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इन सब चीज़ों से कैसे केयर करें भाई? वो नेचुरल तरीके का बुखार होता है या डिहाइड्रेशन होती है। अगर गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए किसी जानवर को, सुस्त हो जाए और बिल्कुल बेकार हो जाए, 2 मसले आते हैं गर्मियों में, एक डिहाइड्रेशन और दूसरा मौसम की तब्दीली की वजह से ठंडा गर्म होना, गर्म सर्द हो जाता जानवर। 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट, रानी खेत आए ना तो वो ऐसे नहीं आती, वो एक दफ़ा घर से निकलने के बाद ना ऊपर से छाती मार के देखती है कोई रह तो नहीं गया, तो बचते वही हैं भाई जिनकी वैक्सीनेशन हुई होती है, जिनका केयर ज़रा बेहतर होता है।
वो बच जाते हैं जानवर, इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है। जो जानवर को हर चीज़ खिलाते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है, वो जानवर भी बच जाते हैं। तो हमने यहाँ पे गर्मियों की बात करनी है, बीमारियों की। दो तरह की बीमारियाँ बहुत कॉमन होती हैं, आपको बता चुका हूँ। पहली बीमारी का इलाज, अगर ता लग जाए, ये मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ता लग जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, मतलब आपको देखा आपने बिल्कुल ठीक है, सांस चढ़ते चढ़ते वो एकदम से सांसें चल रही हैं, मुंह लाल है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन टांगों में जान नहीं रही, खड़ी नहीं हो रही मादी या नर खड़ा नहीं हो रहा और अपना आप वजूद छोड़ गया, सबसे पहले नहला दो उसको, अच्छी तरह गीला कर दो, पर उठाओ नीचे से, इधर से मुंह, पट, उसके पेट, सीना सब गीला कर दो। उसके बाद भाई लो ग्लूकोज या लो ORS, 40 से 50 सीसी भरो, मिक्स करो और उसके पोर्ट में डाल दो सिरिंज के थ्रू। आप देखना किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी से ठीक हो जाएगी या ठीक हो जाएगा, इसी से ठीक हो जाना उसने, उसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोर ओवर अगर वो इससे ठीक ना हो तो भाई आप प्रोवास इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, या डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, उसे सिंपल बोलें बुखार वाला टीका दे दें, वो आपको बुखार वाला टीका दे देगा। वो ज़्यादातर प्रोवास ही देते हैं, प्रोवास नाम इसलिए ज़्यादातर लेता हूँ ताकि मुझे पता है कि बुखार उतारने के लिए कौन सा टीका इस्तेमाल होता है। तो आप प्रोवास ले सकते हैं, अगर ये ना मिले तो वेटनरी स्टोर पे जाएं, जानवर वाली दुकान पे जाएं, वहाँ से ऑक्सा टेट्रासाइक्लिन की सॉल्ट का कोई भी टीका ले लें। इंडियन खासकर मेरे जो दोस्त हैं उनके लिए ऑक्सा टेट्रासाइक्लिन सॉल्ट का कोई भी टीका ले लें बुखार उतारने के लिए, ज़बरदस्त चीज़ होती है। अब ये तो हो गया ता, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होगी। दूसरी बीमारी कौन सी अटैक करती है गर्मियों में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमारी जो कि आती है मौसम की तब्दीली की वजह से। आज बारिश होगी, ठंड होगी, आपको तो नहीं पता आप नीचे कमरे में बैठे हैं छत पे क्या चल रहा है या बाहर खुड्डों में क्या चल रहा है। उन्होंने पूरी रात 8-9 घंटे वो ठंडी हवाएं, वो बारिश के कतरे, वो सब बर्दाश्त करना होता है। बेशक खुड्डे कवर हों, ऊपर से ढके हों, लेकिन उनके अंदर रोशनदान बनाए होते हैं ताकि हवा ग्रोस होती रहे, और वही हवा उनको बीमार कर देती है। एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा ठंड होने लग जाती है, जानवर ठंड में आने लगता है, तो फिर वो सर्दी उसको बीमार कर देती है, उसको हो जाता है बुखार, गर्म सर्द कुछ भी कह लें आप। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है भाई, मैं पहले बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इस सिचुएशन के अंदर या तो अपने पास रखें ब्रूफिन सिरप या फिर रखें पैनाडोल सिरप, ये दो सिरप लाजमी रखें। अगर ये सिरप नहीं रखने तो ऑक्सा टेट्रासाइक्लिन सॉल्ट का कोई भी इंजेक्शन और एक डेक्सामेथासोन का कोई भी इंजेक्शन अपने पास रखें। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चीज़ के अंदर। जब भी ऐसा फील करे जानवर ठंड मना रहा है, फ़ौरन पैनाडोल की गोली उसको दें, साथ में उसको 3 पॉइंट ऑक्सा टेट्रासाइक्लिन और 3 पॉइंट डेक्सामेथासोन के मिला कर उसके सीने में लगा लें 3 दिन के लिए। वो थोड़ा सुस्त रहेगा, बीठे ख़राब करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपने उसको छेड़ना नहीं है, आपने उसको 3 दिन पूरी मेडिकेशन करनी है। पहले दिन ठीक हो जाए वेरी गुड, पहले दिन ठीक ना हो आपने मेडिकेशन 3 दिन के लिए ज़रूर रखनी है। ये आपको सिंपल सी चीज़ बताई है जिसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होने वाली, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी, ये बहुत इजी मेडिसन है। इसके ऊपर कल को डिटेल वीडियो बन सकती है, अगर कोई बड़ी बीमारी आती है गर्मियों में तो उसका कैसे सिक्योर करें, क्योंकि भाई पीक मौसम जो है ना, गर्मी का पीक, सर्दी का पीक, इस मौसम में जानवर बीमार हो गया तो गया, नहीं बचता भाई। मेरे पास भी ज़ाया होते हैं, मेरे पास भी मर जाते हैं, फुल केयर के अंदर, अंडर केयर के अंदर भी मर जाते हैं, पता नहीं लगता, क्योंकि भाई वो बेजुबान जानवर है। हमारे अंदर कैपेसिटी ज़रूर है उनको समझने की, हमारे पास नॉलेज ज़रूर है कि क्या चीज़ है, लेकिन कई दफ़ा जानवर या उस अल्लाह ताला दिखा देता है कि यार भाई मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जितना मर्जी कुछ कर ले मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और भाई हम मानते हैं, वाकई ये बात सच्ची। अल्लाह ने जिसको चाहना है उसको ज़िंदगी देनी है, जिसको चाहना है उसको ज़िंदगी नहीं देनी। तो कोशिश ज़रूर करें, लेकिन जो फैसला हो उसको दिल से कबूल करें। मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं उन सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मेरा जो मैसेज है वो उन तक कन्वे हो चुका होगा। तो दो तरीके आपको बड़े आसान तरीके से बता दिए, बड़ी बीमारियों का इंशाल्लाह फिर दोबारा से नई एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर फिर बताएंगे। टाइम लिमिट बड़ी 10 मिनट से ज़्यादा मैं चाहता नहीं बनाऊं,
और डिटेल फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोरिंग लगने लग जाता है। तो ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए मेरे भाई लोग अल्लाह हाफिज़।